Hey to everyone, welcome back on my YouTube channel HOD. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका टाइटल है डिजिटल करेंसी। आज हम डिजिटल करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज डिजिटल करेंसी को लेकर काफ़ी न्यूज़ आती रहती हैं। आखिर क्या है ये डिजिटल करेंसी, कैसे यूज़ किया जाता है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज हम जानेंगे। डिजिटल करेंसी देश की फिएट करेंसी जैसे कि रुपया डॉलर की डिजिटल कॉपी होगी और इसे केंद्रीय बैंक जारी करेगा, साथ ही सेंट्रल बैंक इसकी गारंटी भी लेगा। फिएट करेंसी की तरह ही एक्सचेंजेबल होगी। अगर हम टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी के टाइप हैं। RBI देश भर में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। जिस तरह RBI डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है वह एकदम बिटकॉइन जैसा ही होगा। यहाँ लेन देन के लिए आपको नोट या फिर सिक्कों को नहीं देना होगा, आप इससे डायरेक्ट लेन देन कर सकेंगे और साथ ही इसके लेन देन में कोई भी थर्ड पार्टी शामिल नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि आप कैश में किसी थर्ड पार्टी को शामिल नहीं करते। इसका सीधा सीधा फायदा कस्टमर्स को होगा। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया की ही डिजिटल करेंसी होगी जिसे RBI कंट्रोल करेगी और RBI ही इसे जारी करेगी। CBDC का एक बड़ा फायदा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में देखा जा सकता है। RBI इस साल के एंड तक केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का एक मॉड्यूल पेश कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल करेंसी फिएट करेंसी का ऑनलाइन वर्जन होगा और साथ ही RBI करेंसी को लेकर काफ़ी सतर्क और सावधान है। यह पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट है जिसे लेकर वह काफ़ी सीरियस है। RBI डिजिटल करेंसी की सुरक्षा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिएट करेंसी जैसे पहलुओं पर सोच कर रही है। सेंट्रलाइज मेजर के डेटाबेस को ऑपरेट करने का जो अधिकार होगा वो केवल और केवल केंद्रीय बैंक के पास होगा। फिएट करेंसी के यूजेस में कम होना और क्रिप्टो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने के बाद RBI ने ट्रायल पर विचार करना शुरू कर दिया है। RBI की आखिर वह अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को कब तक स्टार्ट करेगा। बिटकॉइन की इंडिया में पॉपुलैरिटी को देखकर RBI ने बिटकॉइन पर बैन लगा दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन को हटा दिया। इसके बाद RBI ने करेंसी बदलाव के साथ अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने पर विचार किया, जो कि हमें इस साल के एंड तक देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि इंडिया की डिजिटल करेंसी कैसी होगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।